तो भाई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैंने अपनी अपाचे बेच दी है या फिर मैं अपनी अपाचे पे वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, मेरे अपाचे के मोटर लॉग्स को बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहुत सारे भाई। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चनों के जवाब देने वाला हूँ, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज अपर, मैं आप देख रहे हैं अपने व्लॉग्स, तो फिर अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन जो कि है सबसे ज़्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि मैंने अपने अपाचे बेच दिया, तो भाई नहीं मैंने अपनी अपाचे नहीं बेची है। ऐसा पता नहीं क्यों लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास कि भाई आपने अपनी अपाचे बेच दिया, आप वीडियो डाल रहे हो। तो मैंने अपनी अपाचे नहीं बेची यार, मेरी अपाचे है रोहतक में और मैं हूँ दिल्ली लॉकडाउन के स्टार्टिंग से, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था अपने अपाचे पे। तो यहाँ पे वैसे तो मेरे पास इंटरसेप्टर है, बट मेरे पास मेरा व्लॉगिंग सेटअप भी नहीं था, इसलिए मैं मोटो व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा था। बट अभी जो है मैंने थोड़ा सा जुगाड़ करके अपना जो हेलमेट था जिसपे मेरा माउंट लगा हुआ था, जो मोटो जो एक्शन कैमरा वाला माउंट होता है, वो मैंने हेलमेट मंगा लिया वो वाला। और उसके साथ साथ मैंने अभी एक पैकेज मंगाया जो कि एक काइंड ऑफ यूनिवर्सल माउंट है, जो कि हर एक हेलमेट पे लग जाता है और वो रीयूजेबल होता है, वो मैंने अमेजोन पे ढूंढा है। तो अभी फटाफट से मैं इसको भी अनबॉक्स करूँगा। और भाई एक भाई है अपना इंडियन ट्रकर नाम करके, जो कि भाई बहुत टाइम से बोल रहा है कि भाई अब अपाचे व्लॉग डालो अपाचे, वो ऑलमोस्ट हर एक वीडियो पे वो कर देता है, कमेंट कर देता। तो भाई ज़रूर आएंगे अपाचे व्लॉग, बहुत जल्दी आएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम दो यार। अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूँ, तो अभी जैसे सामान आ गया अपना मोटो व्लॉगिंग का, तो अभी मैं उस पर करेंगे, इंटरसेप्टर पर करूँगा मैं व्लॉग, मोटो व्लॉग कुछ थोड़े बहुत, और अपाचे के बारे में बात करेंगे। कुछ कमेंट थे कि रिव्यू भी डालो अपाचे का, तो वो भी करूँगा भाई, बहुत जल्दी करूँगा। और भाई पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो यार प्लीज़ ऐसे ही अपने कमेंट्स करते रहा करो, बहुत मोटिवेशन मिलती है यार, आप प्लीज़ कमेंट किया करो। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया पिछले कुछ वीडियोस पे, जैसे अभी पार्किंग सेंसर, बेस ट्यूब और कुछ बजट गेमिंग वाले भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, तो भाई प्लीज़ ऐसे कमेंट करते रहा करो, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो अभी मैं फटाफट से पहले तो ये जो पैकेज है इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो भाई ऐसा कुछ है ये पैकेज, तो इसको करते हैं अनबॉक्स। तो भाई इधर ये तो है अपना बिल और ये है बॉक्स, ये एक यूनिवर्सल जो माउंट आता है एक्शन कैमरा के लिए वो है, मुझे नहीं पता ये कैसा होगा, मैंने पहली बार इस टाइप की कोई चीज़ देखी है अमेज़ॉन पे और मैंने डायरेक्टली मंगवा लिया, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, क्वालिटी का भी मैं कोई अंदाज़ा नहीं है, मैंने कुछ रिव्यूज़ पढ़े थे, रिव्यूज़ में कह रहे थे कि अच्छी क्वालिटी है, तो मैं उसका एक बार चेक कर ही लेते हैं। तो भाई आप देख सकते हो ये कुछ पैकेज है और ये है अपना माउंट, यूनिवर्सल माउंट। तो भाई ये आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का माउंट है, ये हेलमेट पे आगे चेन की जगह पे लग जाता है। तो अभी मैं एक बार आपको दूसरे हेलमेट पे लगा के चेक करवा दूँ। सो भाई इधर मैंने ये अपना जो है माउंट लगा लिया है, जो कि मैंने मंगाया था यूनिवर्सल माउंट हर एक हेलमेट के लिए। भाई सच बताऊँ तो मेरे को इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी लग रही है, एक बार आप खुद ही चेक करो, ये देखो। और इसकी जो कलर स्कीम है ब्लैक और ब्लू की, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, आप ये देख सकते हो, इधर से ये स्ट्रैप्स इसकी जा रही हैं, तो इसकी ये देखो ये स्ट्रैप्स इसकी इधर पीछे हैं। तो यार सच बताऊँ तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसकी क्वालिटी, जैसे जैसे मैंने सोचा था उससे कई गुना अच्छी इसकी क्वालिटी है, एंड आई होप ये मेरे कैमरे को ठीक से सिक्योर रखेगा, बस ये टूट ना जाए, डर बस इसी का है। और एंड ये मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल टाइप भी लग रहा है मेरे हेलमेट के हिसाब से। और पता है ये सबसे खास बात इसी है, ये जब काम आएगा, जब कोई हेलमेट जिसमें होता है ना आगे किसी में चिन में जगह नहीं होती माउंट लगाने की, तो उसमें ये काफ़ी अच्छे से काम आएगा, तो मेरे को ये काफ़ी पसंद आया, इसको मैं ज़रूर से यूज़ करूँगा। तो भाई बस यही बताना मेरे को इस वीडियो में, और भी एक इसका एक छोटा सा टेस्ट भी कर लेते हैं, चलते हैं बाइक पे। सो ये बेसिकली जो टेस्ट है मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा एंगल चेक कर पाऊँ और ये इसकी परफॉर्मेंस देख पाऊँगी कि कैसे ठीक से टाइट रहता है, नहीं थोड़ी देर में इसी बहाने राइड भी हो जाएगी। और भाई ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा कॉर्नर, तो भाई ये इसका कवर है एक्शन कैमरा का, ये हटा दूंगा मैं, कवर चेंज कर दूंगा। और आई थिंक तो एंगल इसका काफ़ी ठीक है और इसमें शायद मोटो व्लॉग्स भी अच्छे कर पाऊँगा मैं इन फ्यूचर, तो आई थिंक इट्स ओके। दैट इज़ फॉर द वीडियो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।